भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग व महिला मोर्चा की सोशल मीडिया की प्रभारी प्रतिभा बालिक के विरुद्ध अश्लील शब्दों व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती के खिलाफ भी अभद्र भाषा का प्रयोग पूर्व विधायक नीरज भारती के द्वारा किए जाने पर भाजपा युवा मोर्चा जिला हमीरपुर इकाई कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए उन्होंने नारेबाजी की। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभिवीर लबली ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज भारती के खिलाफ शिकायत पत्र जिला उपायुक्त डॉ ऋचा वर्मा को सौंपा। भाजपा अध्यक्ष अभिवीर सिंह लबली ने कहा कि इस मामले पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नीरज भारती का प्रदेश स्तर पर घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीरज भारती द्वारा की गई टिप्पणियों से पता चलता है कि वे कितने निम्न स्तर तक गिर चुके हैं। उन्होंने कहा कि नीरज भारती के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई न की गई तो भाजपा युवा मोर्चा चुप नहीं बैठेगी और उनका प्रदेश स्तर पर घेराव किया जाएगा। इस मौके पर जिला भाजपा महामंत्री अजय शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष अभिवीर सिंह लबली, महामंत्री अजय रिंटू, मंडला अध्यक्ष पंकज मीनास सहित सुनील ठाकुर, जग सिंह, मनोज कुमार, जगन कटोच, मंजीत सिंह, तेन सिंह, सुनील रवि व मीडिया प्रभारी विकास शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमीरपुर ने जो ज्ञापन डीसी साहब को दिया, वो नीरज भारती जो कांग्रेस का पूर्व सीपीएस मंत्री रहा है, जो आपत्तिजनक टिप्पणियां सोशल मीडिया पे कर रहा है, शायद उसका मानसिक संतुलन खो चुका है, क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध उसने कई कुछ लिखा। उसके बाद महिला मोर्चा की जो प्रदेश की सोशल मीडिया की प्रभारी हैं बाली जी, उसके विरुद्ध भी उसने आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की। युवा मोर्चा आज आपके माध्यम से, डीसी साहब के माध्यम से नीरज भारती को ये बताना चाहता है कि अभी तक युवा मोर्चा सिर्फ कानून के माध्यम से उसके ऊपर लगाना चाहता है। अगर वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो युवा मोर्चा उसके घर में जाके उसको उसी की भाषा में जवाब देगा। पर सरकार में सबसे पहले संस्कार दिए जाते हैं और हमें भी अपनी सरकार, अपने सीनियर जो लीडर थे उनसे ये संस्कार मिले हैं कि कानून को अपने हाथ में ना लें। अभी तक हम कानून को कानून के माध्यम से ही उसके ऊपर लगाना चाहते हैं, लेकिन युवा जब जोश और युवा की जो युवा मोर्चा जब सहने से बाहर हो जाएगी नीरज भारती की ये हरकतें, तो युवा मोर्चा अपने तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई करेगा।